क्या कम नींद होने से आपका वजन बढ़ता है? तो उसका जवाब है यस। अभी जो रिसेंट रिसर्चेस हो रहे उसमें यह पता चला है कि नींद आप कम लेते तो उसमें भी आपका वजन बढ़ सकता है। तो आइए उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 40 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति को 6 से 8 घंटे नींद लेना आवश्यक है। यदि 6 घंटे से कम लेते हैं या 8 घंटे से ज़्यादा लगते हैं तो दोनों में भी प्रॉब्लम है। ज़्यादा लेते हैं तभी भी, कम लेते तभी भी, दोनों में प्रॉब्लम क्या होता है? अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता कम हो जाती है, चिड़चिड़ापन दिन में आता है, फ्रेश नहीं लगता दिन में, डिप्रेशन आ सकता है, आलसीपना आता है। और कम यदि नींद हो गई तो अभी स्टडीज ऐसी बता रही है कि हमारे पेट में घ्रिलिन नाम का एक हार्मोन है, वो हार्मोन, उसको हंगर हार्मोन बोलते हैं घ्रिलिन, तो उसका सिक्रीशन ज़्यादा होता है। उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो गया तो वो ब्रेन तक जाता है और आपको लगता है कि बहुत भूख लगी हुई है और अब फिर ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे तो वजन बढ़ेगा। तो ये घ्रिलिन नाम का जो हार्मोन है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नींद कम होने से लेप्टिन नाम का जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन कम होता है। अब देखो लेप्टिन काय के लिए, लेप्टिन ये बताने के लिए कि भाई पेट आपका भरा हुआ है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, सेटिटी हो गई है, समाधान हो गया, तो लेप्टिन बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है और बताता है ब्रेन को कि अभी पेट भरा हुआ है। अभी लेप्टिन कम सिक्रीट हो गया तो ब्रेन को सिग्नल जाते नहीं है, उसको लगता है कि अभी पेट खाली है और खाओ। तो लेप्टिन का, लेप्टिन हार्मोन का कम स्त्राव होना और ग्रेलिन हार्मोन का ज़्यादा स्त्राव होना, ये दोनों भी कम नींद होने के कारण होते हैं और फिर ये दोनों से भी वजन बढ़ता है। देखो कम नींद होता है तो क्या होता है कि तो थकान आती है, आलस आता है, जोश कम होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, फिर हलचल कम होती है, फिर काम में मन नहीं लगता है तो उससे फिर ज़्यादा डिप्रेशन होता है, फिर आदमी और अंदर घुस जाता है, चुपचाप बैठ जाता है, फिर लोगों को डिप्रेशन हो गया तो बहुत लोग क्या होता है कि डिप्रेशन में और ज़्यादा खाते हैं, उन्हें लगता है कि डिप्रेशन में खाने से अच्छा लगेगा तो डिप्रेशन में और खाते हैं और उनका वजन बढ़ जाता है, तो ऐसे विशेष साइकिल में चले जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 7 घंटे एवरेज में आप सोते तो अच्छा है, मतलब हफ्ते के, एक हफ्ते के 50 घंटे अप्रॉक्सीमेटली वो नींद लेना जरूरी है। नींद लेने के समय शांत वातावरण, गड़बड़ चिल्लाना चीखना ये नहीं होना है, रिलैक्स आप है, बहुत टेंशन लेके बेड पर मत जाइए। एक्चुअली सोने के पहले, बेड पर जाने के पहले कम से कम 1 घंटा टीवी, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक कुछ भी देखने का नहीं है, ब्रेन को स्टिमुलेशन देना नहीं है। बोरियत करने वाली कोई किताबें जिससे आपको बोर लगता है वो आप पढ़ सकते हैं, कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ सकते हैं ताकि आपको नींद लग जाएंगे। नींद के समय यदि आप सेल्फ हिप्नोसिस करते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्लस हिप्नोटिक स्टेट, हिप्नोटिक ट्रांस में जाना वो सीखते हैं तो आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। तो नींद अच्छी रही तो आपका वजन भी मात्रा में रहेगा, एवरेज रहेगा। नींद कम है तो ये ग्रेलिन और लेप्टिन दोनों हार्मोन जो है वो गड़बड़ करेंगे और आपका वजन बढ़ सकता है। आपको लगेगा यार लोग ज़्यादा सोते हैं तो वजन बढ़ता है, अभी तक तो यही मालूम था, अभी रिसर्च ये बोलता है कि ज़्यादा सोते तो वजन बढ़ता है, कम सोते तो भी बढ़ता है वजन। तो आपको ऑप्टिमम सोना है, मतलब 7 घंटे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।